तो दो आयंस के बीच में बनता है, नामी आयन एक है कटायन एनायन, प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में जो बॉन्ड बनता है बच्चों, ये पहला आइटम है ध्यान रखना प्लस चार्ज का, और ये दूसरा आइटम है माइनस चार्ज, ये दोनों चिपके रहते हैं, इसके अंदर नहीं घुसते, एक दूसरे पे चढ़ते नहीं, याद रखना, बस चिपके रहते हैं इनके वैलेंस सिरे से। प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर लेता, माइनस प्लस को कर लेता, ऐसे चिपके हुए, ये आयनिक बॉन्ड की कहानी। ऐसा क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होने वाली है इसीलिए। चलिए तो अब हम लोग आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो कि दूसरा टाइप है केमिकल बॉन्डिंग का, जो दूसरा मेजर टाइप में से है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि ये शेयरिंग से बनती है, सबको पता होगा बचपन से कहानी सुन के आए हैं, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ओके नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट सिर्फ नॉन मेटल के पास है, मेटल कभी शेयर नहीं करता है। तो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि सिर्फ कार्बन, ये बिल्कुल बेहुदा वाली बातें हैं, ओनली कार्बन इज नॉट, सारे नॉन मेटल, नॉन मेटल तो आप याद होंगे थोड़े से हैं, थोड़े से लोग मिलकर पूरा एक ब्रांच बना लिए, बताइए कितना महान काम, एकता में बल है। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में बनता है मोस्टली कार्बन, इसलिए बोलते हैं कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड है दुनिया में, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल में बनता है। इसको समझने के लिए एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था ऑक्टेट रूल, इस ऑक्टेट रूल को हम लोग समझेंगे, किस पे क्वेश्चन आते हैं। ऑक्टेट रूल क्या था, तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट में अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। सुने होगा तुम्हें ऑक्टेट रूल की कहानी, ऑक्टेट रूल का क्या डेफिनेशन है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन एटम्स कंबाइन, एटम्स देखो इसमें क्या बोलते हैं लोग, एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन करते एक दूसरे से, एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। एटम आपस में कंबाइन होकर के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। कंबाइन कैसे कैसे होते हैं, तीन तरीके से, शेयरिंग लॉस गेन, ठीक है, दे कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय गेनिंग करेंगे या लॉसिंग करेंगे, लूजिंग और शेयरिंग, कुछ भी करेंगे वो 8 बना देते हैं, काहे के लिए, टू गेट स्टेबल। बट ये रूल पूरा सही नहीं था, बाद में रूल को गलत काट दिया गया, केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है, पहले कुछ पढ़ा देते हैं बाद में बोलते गलत था, तो पढ़ा क्यों रहे हो सालों, पहले बना लो ठीक से, होते हैं ना फिर बेकार है। तो ऑक्टेट रूल में ये पढ़ाया गया है लेकिन बाद में गलत होने वाला, आप टेंशन मत लें, हम आपको पढ़ाएंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल भी। तो ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है बच्चों, तो लिमिटेशंस भी पढ़ा दिया जाए अभी कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ते हैं, पहले कुछ हम लोग केमिकल बॉन्ड के एग्जांपल पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ज्यादातर ऑक्टेट रूल पे ही बनता है, आयनिक बॉन्ड तुम बोलो 100% ऑक्टेट रूल को मानती है, आयनिक बॉन्ड 100% इसको फॉलो कर रहा, उसमें पक्का 8 वाला ही कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन बाकी कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा लफड़ा हो जाता है।
आठ दस बारह ऐसे कुछ भी बनाते रहते हैं वो लोग पकड़ के। वहां पे क्या होता है, वहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं होता है, बाकी किस किनारे वालों का होता है। अभी हम तुमको सब समझाएंगे, ऑक्टेट रूल गलत हुआ तो भाई हमको समझेगा कैसे कि स्टेबल कब हुआ, बनाते जाएं ऐसे तो नहीं, सब समझेगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। तो ऑक्टेट रूल पर पढ़ना जरूरी था क्योंकि इसके लिमिटेशन पढ़ाने हैं तो पहले रूल चाहिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं वापस कोवेलेंट बॉन्ड पे। तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी ऑक्टेट रूल तो लगेगा ही भाई, ऑक्टेट रूल सारे बॉन्ड में लगता है, नॉट ओनली कोवेलेंट, सारे बॉन्ड में जितना भी बॉन्ड बनाने का कहानी है, गेन लॉस शेयर तीनों होता है, इसी तीन से तो पूरी बॉन्ड बनी है, तो सभी में ऑक्टेट रूल लगता है। स्टेबल करने के लिए लोग आठ होंगे, बट ये रूल कहीं गलत नहीं है, बट 100% सही भी नहीं है। देखो बात समझना, तो ये रूल कहीं गलत नहीं, मतलब ऐसा कहीं होगा कि आठ होने के बाद स्टेबल नहीं होगा, ये कहीं गलत नहीं है, बट 100% सही नहीं है। ऐसा नहीं कि सब लोग आठ ही बना के स्टेबल होंगे, कोई नौ दस बारह भी बना के स्टेबल हो जाएंगे, समझना मेरी बात को, ये रूल गलत नहीं है बट 100% सही भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सब जगह ये रूल नहीं लगेगा, लेकिन जहां लगेगा वहां गलत नहीं होगा भाई, ये पक्का है। आठ बना लिए तो पक्का स्टेबल हो गए, तो ठीक है। तो आ जाते हो ऑक्टेट रूल पे, इस रूल से हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। कोवेलेंट बॉन्ड के तीन टाइप हैं, पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं साथों साथ, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स बच्चों ध्यान सुनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का पहला टाइप है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आएगा दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग सिर्फ में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बोल के काम चला लेते हैं। देखिए आप आयनिक बॉन्ड में भी देखे होगे इस बात को कि लॉस गेन भी तीन होता है, तो शेयर भी दो लोगों के बीच में, ध्यान सुनो, दो एटम के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितना एटम शेयर हो सकता है, तीन, तीन से ज्यादा शेयर नहीं होता। तीन वाला कहानी किसी एक के साथ तीन से रिश्ता बनाना ज्यादा अलाउ नहीं है, समझ में आ गया, ये संविधान में लागू नहीं है केमिस्ट्री के, एक बंदा तीन शादी तक मना सकता है, यहाँ पे कितना अच्छा संविधान है, तीन से ज्यादा तो नहीं मना सकते। चलिए तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो सिंगल बॉन्ड। इसमें सेम टू सेम लिख लो, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ, और छूट गया, टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम, हर एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसमें फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम, हर एटम ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ओके अभी सबके एग्जांपल्स देखते हैं, पहला सिंगल बॉन्ड के, सबसे पहला एग्जांपल बेस्ट दिया जाता है H2 का, हाइड्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस है, सबको पता है हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगा। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में आता है बताइए, फर्स्ट, फर्स्ट ग्रुप में आता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, एक दूसरा हाइड्रोजन है इसके पास भी एक, ध्यान देना। अब ये दोनों एक एक शेयर करके हीलियम बन जाएंगे, बराबर है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गोला क्या करते हैं हम लोग, घेर के दिखाते हैं कि ये दोनों इसका है, और फिर इसमें भी ये दोनों गिरता है, देखो एक एक शेयरिंग हुआ है, इसको ऐसे दिखाया जाएगा, जितना शेयर हुआ उतना लाइन बना दो, ये बन गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगला Cl2 Br2 I2 सब में सेम टू सेम है, F2 बना लेते हैं, उस पर लिख देंगे सेम है ऐसा ऐसा। F2 देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है बताइए जल्दी से, 17 में आता है तो सात होगा, तुम लोग मत बोला करो नहीं वो बोलते नहीं, तुम लोग वजह से मन में बोलो, फ्लोरीन में सात हो गया, एक दूसरा फ्लोरीन भी सात हो गया, तुम लोग बोलना रहे ऑनलाइन वालों, तुम लोग सुनने के लिए बैठे इधर,
सात हो गया, आठ बनाना है, ऑक्टेट रूल तो लगेगा ही लगेगा, तो आठ बनाने के चक्कर में यह हो गया आठ और यह हो गया आठ, ठीक है। तो यह आ गया एफ सिंगल बॉन्ड एफ, और यह बच गया छ छ इलेक्ट्रॉन। ये जो बच जाता है इसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड है एलोन, सुने हो एलोन, अकेला, इस अकेला में से ए हटा लो, लोन पेयर बोलते हैं इनको, ठीक है, बच गए वाले पेयर, इनको लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सेम एज, अब इसी तरह सेम टू सेम आप बना लेना उस ग्रुप के सब, Cl2, Br2, I2, ये जितने भी हम लिखे हैं बच्चों, ये सब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्या है सब, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मतलब सब सेम सेम एटम के बीच में ऐसा बॉन्ड बनेगा। अब ये बच्चा सोचने लगा सारे होमो एटॉमिक सिंगल बॉन्ड है, तो गलत, कुछ डबल भी है, कुछ ट्रिपल भी है, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ध्यान देंगे इस बात पे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, होमो एटॉमिक तो हो गया, एटॉमिक पे आ जाते हैं, हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी होमो एटॉमिक का हमने बना के दिखा दिया बॉन्ड सारे, ये नहीं बनाया हमने, एक ही जैसा है तो क्यों बनाए, सेम टू सेम है। अब हेट्रो एटॉमिक में बच्चों आता है H2O, सबसे पहला एग्जांपल, बेस्ट ऑन बेस्ट। तो H2O में देखो H है, O है, H है, दो लोग है तो दो साइड बनाना, तीन लोग है तो त्रिभुज बनाना, कोशिश करो ऐसा, हम बाद बताएंगे क्यों ऐसा, और चार लोग है तो चारों साइड बनाना टॉप लाइट, अभी नहीं तो बच्चे मूर्ख जैसा ऐसे 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 सब ऐसे ऐसे बना देते हैं, हमने देखा चारों एक ही तरफ, अबे इधर का इधर खेती करने के लिए रखो, तो मैक्सिमम यूट, और ये गलत भी होता है एक्चुअली, अभी तुम पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड हम पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम तुमको बताएंगे, तुमको बताया था ना आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है, भाई यहां तो गलती हो जाएगी, इसलिए हम तुमको एक हिंट दे रहे हैं अभी के लिए, कि अगर दो बॉन्ड है तो इधर लेफ्ट राइट, थ्री बॉन्ड है तो ट्रायंगल बना टक टक ऐसे, चार है तो ऐसा फॉलो करो, पांच है तो इसी में बीच में डालो छह, समझ रहा होगा, इसीलिए हमने दो एच ओ। अच्छा बीच में किसको लिखना है, एक बच्चा मेरे से पूछता है बीच में किसको लिखना, जो कम है, जिसकी संख्या कम है उसको बीच में, सेंट्रल एटम बोलते हैं उसको, बड़ा काम है उसका, सेंट्रल एटम है ये, छोटी छोटी बातें सीखते चलो तो बाद में मोटी बातें लगेंगी तुमको। देखो तो ओ एच एच लिख दिया हमने, अब ऑक्सीजन का बनाइए छह दो चार, हाइड्रोजन का औकात तो एक खाने का है तो एक ही दो, दो खा नहीं सकता पचेगा नहीं इसको, इसलिए एक ही रखो उसके थाली में, दो रखने का नहीं। अब हाइड्रोजन का भी एक है भाई, इसका भी एक है, एक एक मिलके डुएट गाएंगे, बराबर है, दो दो हो गया हाइड्रोजन स्टेबल, तो देखो छह था, अब ऑक्सीजन भी दो दो इनका एक एक ले लेगा तो आठ हो गया, तो कैसे कहानी हो गई, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, ऊपर दो इलेक्ट्रॉन नीचे दो इलेक्ट्रॉन, ये वाटर हो गया। उसके बाद है बच्चों CH4 पे आ जाइए, कार्बन के ऊपर चार इलेक्ट्रॉन, देखो चार लोग है तो बीच में किसको लिखेंगे, सी को, क्लियर हो गया, चारों तरफ किसको बनाओगे, एच को, अब एक एक इलेक्ट्रॉन टक 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 टक, और एक एक कार्बन का, अगर कार्बन का पसंद नहीं आया तो स्टार बना लो, और अलग समझना है तो, नहीं तो समझ रहा तो बाबा। अब देखो पहले तो इसको डुएट गवा दो यार, ये डुएट हो गया, अब इन सब का एक एक पकड़ के घेर लो, तो देखो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया। अगला है PCl3, तो फास्फोरस कौन से ग्रुप में आता है, बोलो बच्चों फास्फोरस कौन से ग्रुप में आता है, जल्दी बोलेंगे, नहीं बोलते नहीं बनाएंगे, पंद्रह, कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, पांच, पांच होगा तो तीन साइड में तीन बना लो, एक ऊपर एक इधर दो बचा लो नीचे, और क्लोरीन के पास सात सात, एक इधर दो चार छ सात, तो ये एक इधर हो गया सात, ये एक इधर हो गया सात, और ये हो गया इधर आठ, हो गया ना आठ आठ, क्लोरीन का, फास्फोरस का पांच था, अब इनका एक एक पकड़ के
घेर लो और सामने लाओ, दो को मतलब पास में रखो। हाँ ऐसा, जो तो ऐसा बन रहा P, एक सिंगल बॉन्ड Cl, एक इधर Cl, एक इधर Cl और एक लोन पेयर बच रहा है। चलो बात नहीं, इस पे बचा है छः छः सब पे। अच्छी आदत है सब चीज लिखें। तो सिंगल बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया आपने। अब हम बनाते हैं डबल बॉन्ड। बनेगा द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम। ईच एटम जरूर लिखना बच्चा, ठीक है। इट्स कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल देखिए, सबसे पहला होमो का देख लीजिए, ओ टू। होमो में क्या जाएगा, होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में ओ टू, देखिए ओ है, ओ है, दो चार छ, दो चार छ। अब देखिए इसके बाद छह इलेक्ट्रॉन है, आठ बनाना है सबको। ऑक्टेट का अभी तक तो चल ही रहा है, जब तक जिंदा है उसको चलाएंगे। तो ये आठ हो गया, छह दो आठ, ये भी आठ हो गया, तो डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड यहां पे देखो, अब हेट्रो एटॉमिक पे आ जाओ, सीओ टू, सीओ टू पे आ जाए भाई। तो कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, चार बॉन्ड भी बनाना पड़ता है। ग्रुप 14 में है तो चार बॉन्ड बनाएगा, याद रखो। तो चार बनाना, दिमाग में जल्दी अडॉप्ट करो चीजों को तो समझेगा। ऑक्सीजन दो बनाता है, कार्बन चार बनाता है, तो चार बनाना और ऑक्सीजन दो बनाता हो गया। दो दो सेटिंग कर लो अपना अपना। बाकी लोग बताइए ठीक है। अब नेट में कुछ प्रॉब्लम होगा, देखिए आप। तो ये CO2 का बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड दोनों तरफ। उसके बाद देखो C2H4 आप 10 पे पढ़ क्या हो गई थी, याद है, कार्बन के दुगना हाइड्रोजन। कार्बन के दुगना हाइड्रोजन तो क्या होता था, इन लगता था नाम में, इथीन। जितने इन वाले हैं सब में डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड। प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, जितने भी इन बना लो सब में एक डबल बॉन्ड। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, दो कार्बन बनाएंगे इसमें डबल बॉन्ड, ऐसे चलेगा क्या डायरेक्ट? कोई जरूरी नहीं ऐसा डॉट मॉडल बनाना। अच्छा, इससे डॉट बनाना आसान है। इधर एक एच, इधर एक एच, इधर एक एच, इधर एक एच, ध्यान दो हम लोग कैसे बना रहे हैं इसे। अब देखो इसको डॉट मॉडल में अगर बदलना है तो हर लाइन के बदले दो डॉट बना दो, हर लाइन के बदले कितना डॉट बना दो, दो डॉट, बस डॉट मॉडल हो जाएगा। क्लियर है, ये बनाओ अभी डायरेक्ट डायरेक्ट। नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड पे आ जाए। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम। हर एटम ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किया, होमो एटॉमिक में आ जाएगा N2। नाइट्रोजन 15 ग्रुप में आता है, 15 वालों के पास पांच इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पांच इलेक्ट्रॉन बनाइए। पांच को आठ बनाने के लिए तीन शेयर करना पड़ता है, कर लिए, ऐसा हो गया N, ट्रिपल बॉन्ड N, दो दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आप इथाइन पे, C2H2, याद होगा इसका नाम इथाइन, YNE। इसका क्या टेक्निक था, कार्बन के डबल से दो कम, तो दो का डबल चार, चार में से दो कम हो गया, कितना बचेगा दो। इथाइन कैसे बनाएंगे, CC बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और एक एक H बना देंगे। क्लियर है, डॉट मॉडल बना दें। चलो पहले डॉट मॉडल बना देते हैं। ये कार्बन का तीन इलेक्ट्रॉन इधर और इसका भी तीन इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर एक इधर। आ गया समझ में, आ गया होगा ठीक है। ओके, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, नोट कर लिया। देखो बहुत सारे जगह ऑक्टेट रूल नहीं लगता है, ये ध्यान रखें, ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल, ठीक है, बहुत जगह लगता नहीं है। पक्का पक्का किसमें लगता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगता है।
ठीक है। तो ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सारे एलिमेंट पे नहीं लगता है, नॉट यूनिवर्सल रूल। ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि पूरे में सब में लगेगा। मोस्टली इट इज एप्लीकेबल ज्यादातर ये एप्लीकेबल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। एकदम ध्यान से मेरी बात सुन ले, ज्यादातर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगेगा। एंड एक जगह और लगेगा, सेकेंड पीरियड में। चलो हम पीरियोडिक टेबल आएंगे, शायद आपको सेकेंड पीरियड तो पक्का याद नहीं होगा, सेकेंड ग्रुप याद होगा, पीरियड नहीं याद होगा। यह है सेकेंड पीरियड, देख लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सुन लीजिए, इसमें ऑक्टेट रूल चिल्ला चिल्ला के लगेगा, कभी गलत नहीं होगा। इधर गलत होने वाला है, कोई पूछा क्यों, तो जवाब भी सुन लो। इनके पास होता है डी ऑर्बिटल। को बोला नहीं सर, डी तो यहां चल होता है, वेट एंड सी। देखिए इधर एल्यूमिनियम का कॉन्फिगरेशन आपको बताते हैं। एल्यूमिनियम का कॉन्फिगरेशन में आप लिखते होंगे 13 है, पूरा लिख लो, क्या दिक्कत है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। चलिए आप बताओ, कोई मूर्ख ही बोलेगा जो इसमें डी नहीं है। आप याद करो कि थर्ड ऑर्बिट में डी होता है कि नहीं होता है, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। डी है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है। ओ थर्ड ऑर्बिट में तुम आ गए, देखो फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली एस होता है, सबने पढ़ा है। सेकंड ऑर्बिट में एस भी होता है और पी भी होता है, और थर्ड ऑर्बिट में क्या होता है, एस पी डी। भली वो भरता बढ़ता बाद में है, बाद में भरता है थोड़े इसके बाद, ये सब बातें सच्ची है, लेकिन है कि नहीं है, बात यहां है पे है, भरा है कि नहीं ये नहीं पूछा हमें, है। अच्छा इसके नीचे तो सब में डी है भाई, पक्का है। तो जहां आया डी वहां गलत हो गया ऑक्टेट रूल, और डी नहीं है तो तुम बचे हुए हो। सेकेंड पीरियड वालों में, सेकेंड पीरियड वालों में डी ब्लॉक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि टू में एस होता है और पी होता है। एक एक रूल सुन लेना जो हम तुमको पढ़ा रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट ज्ञान है, बहुत लंबे दूरी तक काम आएगा सब ज्ञान। तो मोस्टली इट इज एप्लीकेबल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके पीछे भी कारण है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का होता है, वो कौन से पीरियड में आता है, सेकेंड, यानी 100 बात की एक बात क्या है, सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में पक्का लगेगा, हम ये नहीं बोल रहे कि नीचे लगेगा ही नहीं, पक्का पक्का जो गारंटी है वो सेकेंड पीरियड की है। थर्ड और फोर्थ की पक्का गारंटी नहीं है, ज्यादा भी बना सकते हो लोग, कम भी बना लेते हैं। तो मोस्टली इट इज एप्लीकेबल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। बिकॉज क्यों भाई, दे डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल। इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, यही कारण है, याद रख लेना इस बात को। क्यों नहीं होता डी, आपको यहां पे समझा दिया हमने, आप समझ के लिख सकते हैं। सेकेंड पीरियड में 2s और 2p होता है, थर्ड में आ गया 3s, 3p, 3d भी होता है। तो सम लिमिटेशंस फॉलोइंग लिमिटेशंस, लिमिटेशन मतलब कमी, कमियां, वहां तक पहुंचा नहीं है। तो सबसे पहला लिमिटेशन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कुछ कुछ सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम आपको अब समझ रहा होगा, कुछ कुछ सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा ही नहीं हुआ, उसका 8 से कम इलेक्ट्रॉन भरा है फिर भी वो स्टेबल हो गया। कुछ कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो स्टेबल हो गया। देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, सम कंपाउंड्स कुछ कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8 बट दे आर स्टेबल।
स्टेबिलिटी कैसे पता चलती है, वो प्रकृति में है कि नहीं, बस। तो ये बात पता है क्या, स्टेबिलिटी क्या शो करती है? आप फ्री घूम सकते हो। शायद आप ये सुने होंगे, शायद आप ये सुने होंगे कि कोई चीज स्टेबल है तो वो फ्री घूम सकता है, दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अगर आप फ्री नहीं है, स्टेबल नहीं है, यू कैन नॉट रोम इन फ्री स्टेट। बराबर है, बिल्कुल बात सही है। तो कोई भी कंपाउंड जो आपको प्रकृति में दिख रहा है, कोई चिल्ला चिल्ला के भी बोले अनस्टेबल है, मानना मत, बोलना घूम रहा ना है तो दिख रहा, मेरे को एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेबल है तभी कर रहा हो। नोबेल गैस जो तुम सुनते हो क्यों स्टेबल बोलते हैं, घूम रहा है फ्री फ्री अकेले, हीलियम एची आर्गन एयर, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन एच टू बन के घूमता है, ऑक्सीजन ओ टू बन के घूमता है। तो ये ध्यान रखेंगे, सम कंपाउंड्स में नंबर ऑफ सम कंपाउंड्स नंबर ऑफ यहां को छूट गया नहीं सम कंपाउंड्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल एटम इज लेस देन एट बट दे आर स्टेबल, लेकिन वो लोग स्टेबल है, ठीक है, वो लोग क्या है बच्चों, स्टेबल है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल आपको बता दें, लिथियम, लिथियम बेरिलियम की कंपाउंड की बात करेंगे, वो लोग को बोला नहीं सर ये तो आयनिक है, एक बच्चा बोला नहीं सर ये तो आयनिक है, हम बोला नहीं 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 गलत बोल दिया तूने, ये कोवेलेंट है, बोला क्यों सर, तो आपको याद करिए हमने पढ़ाया था एनोमेलस बिहेवियर पढ़ाए थे, और क्या बताए थे कि ऊपर वाले का प्रॉपर्टी नीचे वालों से मैच नहीं करता है। तो वहां पे आपको डिटेल में हमने शायद नहीं बताया होगा कि लिथियम का कोवेलेंट नेचर है, लेकिन इस बात से आप साबित करो इनका से उल्टा है बिहेवियर, तो ये सब आयनिक है तो ये क्या कोवेलेंट, ये सब आयनिक है तो ये क्या कोवेलेंट। याद करो आप आयनिक कंपाउंड में लिथियम के कंपाउंड्स के एग्जांपल नहीं दिए जाते हैं, क्यों नहीं दिए जाते, इनके कंपाउंड ज्यादातर कोवेलेंट हो जाते हैं, उनका स्वभाव कोवेलेंट जैसा होता है इसीलिए, ठीक है, तो इनको हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो लिथियम का कंपाउंड है LiCl, लिथियम क्लोराइड। अब आप देखो लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो है, और क्लोरीन के पास कितना है, सात। तो लिथियम के पास अगर एक शेयर भी कर लेगा और एक बॉन्ड भी बना लेगा तो लिथियम का कितना इलेक्ट्रॉन पूरा होगा बताइए, लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, दो, दो इलेक्ट्रॉन हुआ ना, फिर भी स्टेबल है, LiCl कंपाउंड होता है प्रकृति में। अच्छा एक और कंपाउंड है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, या BeH2 भी लिखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, BeCl2 लिख लो। अब देखिए बेरिलियम की बात करिए, बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो, कैसे पता चल रहा है, ग्रुप टू में या ग्रुप वन में था तो एक, और क्लोरीन के पास सात, देखिए तो अगर गोला घेरे तो ये स्टेबल हो गया आठ इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल हो गया आठ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बीच वाले की तो हालत खराब हो गई यार, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए, चार इलेक्ट्रॉन, क्या ये स्टेबल होना चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से, नहीं होना चाहिए, लेकिन है, लेकिन है, अब ये मत समझना कि ऑक्टेट रूल गलत हो गया, मेरा कॉन्सेप्ट बिगड़ रहा, कुछ नहीं बिगड़ रहा तुम्हारा, फालतू बकवास मत करो मेरे से, कुछ बिगाड़ नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप नंबर टू में है तो दो ही बॉन्ड बनाएंगे, अपने को बचपन से पढ़ाई गई है, टेंशन मत लो तुम बस, और तुमको हम सौ बात की एक बात अभी पहले ही बता दे रहे, ये लिमिटेशन बस पढ़ने के लिए, फालतू का किसी में गलती वलती निकालने की आदत बनाओ मत, बिना मतलब गलती निकालते जाते, ऑक्टेट रूल गलत पढ़ा दिया, हम पढ़ रहे हैं वो बात सही है, लेकिन हम तुमको हम सौ बात की एक बात बताते हैं कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं भी होगा तो स्टेबल हो जाते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है, सेंट्रल एटम किनारे में नहीं पूरा है तो पक्का गलत है तुम्हारा, तो किनारे में पूरा है कि नहीं है, बिल्कुल है यार, किनारे में पूरा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो BeCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड, इस ग्रुप का तो बड़ी दुखदाई स्थिति है यार, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम, इन तीन ही बॉन्ड ही बनाएंगे, 13 है तो तीन ही बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इनका तो कभी जिंदगी में ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, कभी जिंदगी में ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, BeCl3 BF3 AlCl3 इन सबको ना बोला जाता है लेविस एसिड क्या नाम है इनका, लेविस, लेविस, समझ गया, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं क्यों, इनके घर में छह इलेक्ट्रॉन है, गरीबी है बेचारे को, कुछ भी दे दो ले लेगा चुपचाप, देखिए तो लेविस याद रखे नाम जैसा हम सिखाए,
तो बोरॉन क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन है, इधर बनाते हैं, एक का बनाएंगे, सबका नहीं बनाएंगे, तीनों का तुम बनाना। देखो बोरॉन के पास तीन इलेक्ट्रॉन है, चलिए तीन बना दिए तीनों तरफ। क्लोरीन के पास सात है भाई, देखिए तो यहां एक बॉन्ड बनाएगा, अब हम बॉन्ड से काम चलाएंगे, गोला गोला नहीं, यहां एक बॉन्ड, यहां एक बॉन्ड, इसका आठ हो गया, हो गया इसका आठ, हो गया हो गया, इसका हुआ आठ नहीं हुआ, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए, सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, आठ, यानी कमी है इसके पास, याद रखना है किसी का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेविस एसिड बोलते हैं इनको, लेविस यानी लेने वाला, ठीक है याद रहेगा लेविस नाम। चलिए दूसरी तरह AlCl3 BFCl BF3 और AlCl3 को लेविस एसिड बोलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है ये, याद रखना वाई, तो जवाब है ये दूसरे लोगों से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर लिखना है तो लिख लो। लोन पेयर एक्सेप्ट, हेलो, किसी का लोन पेयर ले सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको लेविस एसिड बोलते हैं। 12th में तो आप अभी क्यों बता रहे हो भैया, यही तो बात है, यही तो बात है, सफलता का यही राज है। आठवीं में अगर तुम पढ़े होते तो क्या हालत होती आज, सोचो कितने होशियार होते तुम, रिवीजन उड़ा होता तुम्हारा सब, नहीं क्या, चलो कोई बात नहीं, कम से कम 12th को तो आप पढ़ ले, 11th में थोड़ा सा। तो NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका बॉन्ड बड़ा गजब है यार, देखो नाइट्रोजन के पास तो पांच इलेक्ट्रॉन है, इसको तो तीन चाहिए, ऑक्सीजन के पास तो छह है, इसको दो ही चाहिए, तो पहले तो दो दो शेयर कर लो यार तुम लोग, देखना ध्यान से, दो दो शेयर कर लो बस, और कुछ कर नहीं सकते ये लोग, कर सकते क्या, नहीं, अगर तीन करेगा तो ये बोलेगा हम नहीं करते भाई, हमारा तो स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, ये अनस्टेबल है तो है, ऐसे भी ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है नाइट्रोजन से तो बात नहीं मानेगा उसका, याद है पावरफुल कैसे डिसाइड होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फर्स्ट फर्स्ट रैंक किसका इलेक्ट्रोनिगेटिव में, क्लोरीन, और सेकंड रैंक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उस पर दादागिरी नहीं चला सकता, तो बस ये ऐसा रहेगा, अरे तेरी ये तो बड़ा समस्या है यार, इसका आठ इलेक्ट्रॉन हो गया लेकिन इसका गिनो तो कितना हो रहा है बताइए, तीन चार पांच छह सात, ये तो फंस गया बेचारा, सात ही इलेक्ट्रॉन है फिर भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ऑड इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया। एक और कंपाउंड है बच्चों NO2, NO2 का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, समझ ही रहा होगा CO2 जैसा, देखो तो N है फिर दो O है, थोड़ा समझना, O को तो दो बनाना है और वो दो ही बनाएगा क्योंकि भाई तुम्हारा जोड़ इस पे चलेगा नहीं, ये तुम्हारी बीबी है, तुम्हारी बात नहीं मानेगी, तो ये देखो दो बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन, इधर इधर क्या होगा, बड़ा समस्या है इधर यार इसकी जिंदगी में, ऑक्सीजन तो बोला भाई हम तो, मेरे को तो स्टेबिलिटी होना तो कुछ भी कर, अबे नाइट्रोजन क्या करे समझ में नहीं आ रहा, जब फंस गया बेचारा, तो पहले एक एक बॉन्ड तो बना लो तुम, एक एक बॉन्ड बना लिया इसने, अभी मैं स्टार मारते यार नाइट्रोजन को, थोड़ा इसमें काम आएगा, एक एक बॉन्ड बना ले इसने बोला, बना लेते भाई चल, मेरा दो तीन चार पांच छह हो गया, बट ये स्टेबल तो हुआ नहीं, बट ये तो है इसका बीबी, ये तो बात मानेंगे नहीं इसकी, मेरे को तो होना इलेक्ट्रॉन, जैसे जीत पे जाते बीबी लोग, मेरे को होना भाई सामान कैसे ला के दो भाई, नाइट्रोजन क्या करा अपना पैसे निकाल के, अपना गरीबी करके इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ले भाई तू स्टेबल हो जा, इसमें क्या हो गया देखो, इसपे चार्ज आ गया, इसपे अब इसने एक लॉस कर दिया, तो इसपे प्लस वन और इसपे माइनस वन, इसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, हम पढ़ाएंगे आपको फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पे चार्ज होते हैं उसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, जैसे इसको समझने के लिए हम आपको एग्जाम्पल देंगे, जैसे एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज है, कि पूरे एटम पे कितना चार्ज है, जीरो, ऐसे ही कुछ कुछ कंपाउंड होते हैं ऐसा जिनके अंदर अंदर स्टेबिलिटी के चक्कर में चार्जेस होते हैं, बट टोटल चार्ज कितना दिखेगा आपको, जीरो दिखेगा, और स्टेबल भी है सब है, इसको फॉर्मल चार्ज क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, क्या है फॉर्मल चार्ज,
द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में एटम्स पे जो चार्ज है उसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे, उसके निकालने के फार्मूले बताएंगे, सब बताएंगे। तो फॉर्मल चार्ज भी बॉन्ड से ही समझता है। देखिए यहाँ पे बॉन्ड समझिए, यहाँ पे बहुत अच्छा से समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा। देखिए फिर से हम एक बार समझाते हैं, ध्यान दें क्या हुआ। एक एक करके हमने बनाया, देखा नाइट्रोजन तीन बॉन्ड पक्का आराम से बना लेगा, बना लिया आराम से। अब हुआ क्या, ऑक्सीजन तो भाई स्टेबल हुआ नहीं, और ऑक्सीजन के खींचने की पावर नाइट्रोजन से ज्यादा, इस बात को बड़ा ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घूमते रहे तुम्हारे दिमाग में तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों भाई, क्योंकि केमिस्ट्री की आधे एक्सेप्शन का जवाब तो इधर ही है। केमिस्ट्री के आधे मतलब केमिस्ट्री मान लो 500 एक्सेप्शन आता है तो 250 एक्सेप्शन का जवाब यही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जहां पे इसमें से चार शरारती बंदर दिख जाए समझ देना भाई कुछ तो कार्य होने खींच खांच लिया हुआ इलेक्ट्रॉन ने। तो अब ये क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये स्टेबल होगा, हमने तो वो बोला था ना किनारे वाले में कभी ऑक्टेट फेल नहीं होता। ये देखो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा जबरदस्ती, भाई शेयरिंग गेयरिंग या तेल लेने मेरे को जरूरत है तो दे दे, बातें बैठते बैठते ये इसको दे दिया। अब इस पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, क्यों, लॉस और गेन हो गए भाई, आयनिक जैसा शेयरिंग नहीं हुआ, अब ये लॉस गेन, जैसे सोडियम ने दे दिया क्लोरीन ले लिया। कोई बोले सर आयनिक बॉन्ड है, नहीं नहीं आयनिक आयनिक नहीं है, शेयरिंग नहीं हुआ है। कोई आयनिक कोवेलेंट मिक्स है, मतलब वो भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं है। ठीक है ये समझ में आ गया। तो इसमें का पांच इलेक्ट्रॉन था, देखो यहां स्टार मारा हमने, दो इधर, तीन चार और एक जबरदस्ती ले गया छीन के, पांच, इसका आठ हो गया, तुम गिन लो। ऑक्सीजन का आठ हो गया कि नहीं हो गया, दिख रहा है, दो चार पांच छह सात और आठ, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, ये फंस गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास अब ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, गिनो गिनो इस बेचारे का दुखी आत्मा का इलेक्ट्रॉन, दो चार पांच छह सात, कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है बताइए इसके पास, सात, समझ रहा है। यहां चार, चारों गिनेंगे ना भाई, शेयरिंग में दोनों गिनते हैं, उसका भी अपना भी, चार ये हो गया, दो ये हो गया, छह और एक सात, ऐसी कहानी है दुखदायी बेचारे की, देखो सात सात, फिर भी ये स्टेबल हो गए। तो बहुत जगह ऐसा नहीं है, लेकिन बस ये दो एग्जांपल है याद रखो। एक और है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें भी है, एक और है CO, याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें भी बनता है तीन इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड, बाद में बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है देखिए, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या हम लोग कि सम कंपाउंड्स है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल एटम, सब कहानी सेंट्रल एटम पे ही होती है, बट दे आर स्टेबल, दे डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। ये सब बातें, ये पॉइंट सब में लिख सकते हो, दे डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। ये लोग ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, ओबे का इसमें ओबी सही था, ओबे ऑक्टेट रूल। ठीक है चलिए चौथा पॉइंट, चौथा लिमिटेशन है, तीसरा सॉरी, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपैंड मतलब क्या होता है, ज्यादा, यानी आठ से ज्यादा बॉन्ड बनाना। चलिए आ जाइए हम आपको सिखाते हैं, बहुत आसान है। तो केमिस्ट्री इज वेरी इजी अगर आप पीरियोडिक टेबल समझ गए तो, और जो नहीं समझा वो ऐसे आठ क्वेश्चन बना के जमा कर जा। देखिए इधर तो टेस्ट है कल, पता है ना। सर 11 बजे टाइमिंग, हाँ अच्छा है, तो मतलब पहले तो 12 बजे था, अब 11 बजे, अच्छा हो गया ना। पूछ रहा हूँ कि नहीं नहीं एक्चुअली हुआ क्या है कि कल तीन तीन बैचेस का टेस्ट है, देखो 12th का है, 8th का है, 11th का है, तो थोड़ा आगे हम समझा देंगे, कोशिश करते हैं। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है पी ब्लॉक में आना, इस ब्लॉक में सोचना भी मत क्योंकि मेटल है, हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। यहां से आ जाइए सिलिकन, फास्फोरस, सिलिकन में कोई लफड़ा नहीं क्योंकि ग्रुप 14 में चार ही बॉन्ड बनाएगा वो, क्योंकि हम तुमको बताया था लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उतना ज्यादा से ज्यादा उतना ही होता है, चार बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा।
फास्फोरस वाला का वैलेंसी कितनी है? तीन, लेकिन वो पांच तक दिखाएगा, हमें सिखाया है। सल्फर वाले का दो चार छह, याद है? और इसका कितना आता था? एक तीन पांच सात। रेडी हो जाओ, रेडी फॉर द बैटल। अब ये कहानी हम लोग समझते हैं, एक कहानी हम समझाएंगे, अगर समझ गया तो बाबा, नहीं समझा तो बाबा। देखिए हम एक कोई भी पकड़ लेते हैं, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, इसका कॉन्फिगरेशन आएगा 1s2 3s2, अरे रे कहां चले गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 15 है ना। अब देखिए यहां पर 3d भी लिखिए, जीरो लिखने की आदत डालिए। अब यही हम चीज बोल रहे थे, डी ऑर्बिटल है करके। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? दो, और पी में कितना है? तीन। ऐसे ऐसे बनाएंगे, पहले सीधा सीधा, किसने बोला था ऐसे सीधा बढ़ता है पहले, किसको याद है ये रूल? ये सीधा सीधा बढ़ता है बाद में पेयरिंग होता है, किसने बोला था? कोई बताओ रे, बताओ जल्दी, किसने बोला था कि पहले सीधा सीधा बढ़ता है बाद में पेयरिंग होता है? बोल नहीं रहे यार, हाँ गुड, एक बच्चा तो बोला। तो ग्राउंड स्टेट है ये, ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे स्टेबल होता है ये, लीस्ट एनर्जी, कम ऊर्जा होता है इनके पास और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब आते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एक्साइटेड स्टेट, तुमको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अगले में चला जाएगा, तो ये 3s का इलेक्ट्रॉन पेयर यही है तो यही जंप करेगा, यहां चला गया, एनर्जी दिया हमने तो। और याद करो जितने अनपेयर होते उसी को वैलेंसी बोलते हैं, जितने अनपेयर उतना ही बॉन्ड बनाएगा, याद कर लो इस बात को, छोटी छोटी बातें हैं, मोटी बातें हैं सब, लेकिन यहां लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो तुम पढ़े हो ना उसी को गिनते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन तीन। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, वही बॉन्ड बनाकर पेयरिंग करेगा। अब यहां से अगर ये जंप कर गया, क्यों जंप कर गया? 3D खाली है जब ना बे, घर में कमरा खाली है जब तो तुम उधर कूद लिए, नहीं रहता तो उसी कमरे में करो एडजस्टमेंट किधर भी। तो यही चीज बात हम बताए थे कि डी ऑर्बिटल होने की वजह से अपना ऑक्सीडेशन नंबर बदल लेंगे लोग, यही प्रॉब्लम है यहां पे। ये टू वाले नहीं बदल सकते, टू वाले नहीं बदल सकते क्योंकि टू में एस आता पी आता डी नहीं आता, इनके घर में एक्स्ट्रा कमरा नहीं है, दो कमरे की मकान है, बाथरूम किचन बेडरूम बस खत्म, दो कमरे हुए ना किचन और वो। अब भाई इसमें रहो या इसमें रहो कहीं जा नहीं सकते तुम। इधर क्या है, एक स्पेयर कमरा बना लिया इन्होंने, जब मन में आया उड़ के चल दिए, इधर आ गए बढ़ा लिया ऑक्सीडेशन नंबर। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बच्चों पांच। अब ये पांच बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसे होती है नंबर चेंज, जो चीज हम डायरेक्ट आपको पढ़ा दिए लेकिन अभी हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो जो भी एलिमेंट ग्रुप थ्री का है, देखो पूरी कहानी समझना, पूरी कहानी हम तुमको सिखा रहे था कि बारहवीं तक काम आ रहा है, मेरे को फिर पढ़ाए तो रिविजन जैसा तुमको लगे। जो ग्रुप पीरियड सेकेंड है वो लोग पक्का ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे, बिकॉज ऑक्टेट रूल गलत नहीं हुआ, ये डी के वजह से सब कांड हो गया है, याद रखना। हमने क्या बोला, ऑक्टेट रूल जहां लगा वहां गलत नहीं है, लेकिन जहां नहीं लगा वहां गलती कैसे तुम बोलोगे भाई, लगा ही नहीं वो रूल, बात ही खत्म उसकी, लगा ही नहीं वो रूल। तो देखो यहां ऑक्टेट रूल लगता है सेकेंड पीरियड में, ये दिमाग में बैठा लो, क्यों इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, पक्का ऑक्टेट रूल लगेगा, इनमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर हो बढ़ा नहीं सकते अपना। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 इन सबकी कहानी मत सुनो यार, बहुत दुर्दायी स्थिति है इनकी। इनमें क्या है, इनके पास ढेर सारे ऑर्बिटल खाली खाली पड़े हुए हैं, इनके इलेक्ट्रॉन आराम से ऐसे आके आप पी का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप करके एनर्जी मिलेगा तो ज्यादा जाएगा और अपना ये बढ़ा लेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने की क्षमता वो लोग रखते हैं। एक बढ़ता है कोई जरूरी नहीं फर्स्ट, अब ये सेकेंड थर्ड ऐसे बढ़ाते हैं लोग, चार चार एक्साइटेड स्टेट है इनके पास। तो तुम देखो क्लोरीन की हम बात कर रहे थे, क्लोरीन का 1b होता है, 3b 5b 7b, अब तुम सोचो दो दो क्यों बढ़ा रहे थे, क्या हम दो दो बढ़ा रहे थे, ये बात तुमको समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। जब ये जंप करता है तो जहां से गया वो भी एक अनपेयर और जहां गया
वो भी अनपेयर, एक साथ कितने बढ़ेंगे दो। आ रहा है मजा नहीं आ रहा। तो फास्फोरस पांच तक दिखाएगा। अब इसी तरह तुम घर पे ये होमवर्क में रखो, घर पे आप सल्फर का बनाइएगा एक्साइटेड स्टेट और क्लोरीन का बनाइएगा। सल्फर दो एक्साइटेड स्टेट दिखाएगा, फर्स्ट भी और सेकेंड भी। होमवर्क लिखिए, क्लोरीन दिखाएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, 3, 5, 7 आना चाहिए। होमवर्क में लिखिए और बना के लाइएगा ऐसा। जैसे हम फर्स्ट बनाए, फिर आप सेकेंड बनाना, एक और जंप कराना, बारी बारी से कूदाना, सब एक ही साथ मत कूदा देना। जैसे अब एक इलेक्ट्रॉन गया, मान लो एक और पेयर होता इधर पी में, तो वो जाता तो दो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? तो आप इसको बनाइएगा। तो हम चलो इसको इरेज कर दे रहे हैं बच्चों, मिटा रहे हैं, नोट कर रहे हैं क्या आप? तो हम तो थोड़ी कहानी लिख लें। क्या कहानी लिख लें आपको? कि द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड हैव वैकेंट, वैकेंट समझता है क्या? खाली, वैकेंट 3D ऑर्बिटल। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं बताइए? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। इनके पास खाली पड़ा हुआ 3D ऑर्बिटल है। सो दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब नंबर। वैलेंसी अब बोलना बंद कर दो यार, तुम ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब बॉन्ड बनाने की संख्या, जितना बॉन्ड जो बनाता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। पढ़ा इतना, जितना लॉस गेन या शेयर कर सके। ठीक है, तो आपको बता दे फिर से इसको अच्छे से। तो जो ग्रुप 14 है वो तो 4 तक दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से समस्या चालू होती है। देखिए ग्रुप नंबर जो 15 वाला है वो कहां तक बॉन्ड बना सकता है? 3 और 5, 2 दिखाएगा, 5 भी 3 भी। तो जब 3 बनाएगा तो ऑक्टेट रूल सही रहेगा, लेकिन 5 बनाएगा तो गलत हो गया ना भाई। सीधे दिख रहा है 5 बॉन्ड, 5 × 2 = 10, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, गिनो फटाफट मेरे जैसा। जब वो 3 बॉन्ड बनाएगा 3×2 = 6, एक खुद का बचा रहता है 8 हो जाता है। लेकिन जब 5 बॉन्ड बनाएगा 5×2 = 10, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे 10 पार हो गया यार। आप आ जाइए ग्रुप 16 में, ग्रुप 16 में कितना बॉन्ड बनाता है? 2, 4, 6, 4 तक हो सकता है ऑक्टेट रूल पक्का फॉलो, लेकिन 6 में तो नहीं होगा भाई। 6 × 12 भाई, 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर हो गया उसका। तो ग्रुप 17 वाले 1, 3, 5 और 7, यहां का ऑक्टेट हो गया 5, 7, 5 × 2 = 10, 7 × 2 = 14, बाप रे बाप कितने बॉन्ड बना दिए, मजाक के लगा। बट इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे, ये बात दिमाग में रखो। जैसे ग्रुप 16 वाले 6 से ज्यादा नहीं बना सकते, जैसे सल्फर, ग्रुप 16 में कौन है भाई? सल्फर। सल्फर 6 से ज्यादा नहीं बनाएगा, क्लोरीन 7 से ज्यादा नहीं बना सकता, फास्फोरस 5 से ज्यादा नहीं बना सकता। 6 बना दी तो गलत कर दिया तुमने, इन्हें कुछ भी बना दिया तुमने, ये समझो पूरी बात को। चलिए ऊपर से मिटा रहे हैं, थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। तो ये ऑक्टेट से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब आ जाइए सल्फर पे, सल्फर का फॉर्मूला होता है SF6, 6 बॉन्ड बना सकता है, बना लिया इसने, 16 है तो 6 बनाएगा ना। क्या बात है, बड़ा सुंदर डिजाइन। तो इनके पास 6 बना दो पहले, क्यों? एक एक शेयर किए होंगे ना, 7 हो गया कि नहीं? आप बताइए यहां पर सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। सल्फर एटम के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट से ज्यादा। अब आ जाइए आयोडीन का बना लेते हैं, IF7, 7 बॉन्ड बना सकता है, 17 ग्रुप में आयोडीन। आयोडीन कौन से ग्रुप में है? 17। तो कितने बॉन्ड बना सकता है? 7।
तो आर्डिन के पास 7 × 14 इलेक्ट्रॉन, देखिए ये पूरी कहानी। तो यहां पर ऑक्टेट रूल एक्सपैंड हो गया है, बढ़ गया है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात हमारे लिए तो नहीं है भाई। आप घर जाके जरूर इसको बनाइएगा, सल्फर का क्लोरीन का बना के दिखाइएगा मेरे को, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट होमवर्क में। चलिए नोट कर लिए। तो नेक्स्ट लिमिटेशन आएगा बच्चों कि ऑक्टेट ने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि नोबल गैस तो बॉन्ड नहीं बनाता, सब लोग नोबल बनो नोबल बनो, बनाता है तो कुछ नोबल गैस केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और कौन बनाता है और क्यों बनाता है हम लोग इस एपिसोड में समझेंगे। तो ये नोबल गैस की सीरीज है, इसमें सबसे लास्ट की बात पहले करेंगे, रेडियो एक्टिव है रेडॉन। क्यों है रेडियो एक्टिव भाई? जो लास्ट वाले होते हैं उनके न्यूक्लियस की साइज बड़ी होती है, बड़ा न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, याद रखना इस बात को, बड़ा न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अब वो टूट जाता है और टूट के क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा रेस। आपने अल्फा में सीखा है असाइनमेंट के सोल्यूशन में, अल्फा निकलेगा तो मास में 4 कमी और नंबर में 2 कमी, और बीटा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा, और गामा निकलेगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, एनर्जी घटता है बस। तो ऐसे रेडियो एक्टिव है, ये टूट जाता है, जिसकी तो बात ही मत करो। अब आइए ऊपर से नीचे आने पे, आपने पढ़ा होगा किसी भी ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, साइज का उल्टा, यानी इस ग्रुप में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका है, ज़ेनॉन का। ओ मतलब ज़ेनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होगा इनके तुलना में। व्हाट इज आयनाइजेशन? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च हो, और ऊपर से आने पे नीचे कम हो रहा है, यानी सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका है, ज़ेनॉन का। बात समझ में आ रही है? जैसे 7 लोग ऐसा ईमानदार लोग हैं, उसमें से एक पे सस्पिशन हो रहा मेरे को, पुलिस वाला कैसा गया, तो डाउट हो रहा है, इसको साइड पे ले बराबर, देखे होंगे पिक्चर उक्चर में, उसको पजाते जम जम से तो उतरा टूट जाता है बेचारा। हाँ ठीक है जाने बता देते हैं, बराबर एक नहीं है, वैसा ही आयनाइजेशन एंथैल्पी इधर घट रहा है, तो सबसे लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इस ग्रुप में, रेडॉन की बात मत करना, रेडियो एक्टिव हो तो ऐसे टूटा रहता है बेचारा, सबसे लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका है बताइए, ज़ेनॉन। यानी ज़ेनॉन को तोड़ा जा सकता है, मतलब बॉन्ड बनवाया जा सकता है, बट ये हल्के में मानेंगे नहीं, बड़ा ईमानदार ग्रुप है, इसको तोड़ने के लिए कौन आएगा बताइए, केमिस्ट्री का सबसे पावरफुल गैंग कौन है, सोचो कौन है जो सबका इलेक्ट्रॉन मांग सकता है बताइए, फ्लोरीन। हाँ तो ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑक्सीजन के साथ ही बनाएगा दोनों, नहीं नहीं ओनली फ्लोरीन ऑक्सीजन, नॉट 16-17। तो देखो आयन, तो यहां पहले बात लिख लो कि ज़ेनॉन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। वाई कोई पूछ लिया, वाई कोई पूछ लिया, वाई बिकॉज बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्सी इज लेसर इन दिस ग्रुप, सो इट इज पॉसिबल टू आयोनाइज ज़ेनॉन यूजिंग क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फिर भी थोड़ा जबरदस्ती तो करना ही पड़ेगा, ऐसे बात मानेगा नहीं, पजाना तो पड़ेगा इसको, फिर भी रहा करा कॉक्सर लाए स्ट्रिक्ट, डर से बोल दिया बेचारे। तो ज़ेनॉन बॉन्ड बना लेते, देखो एक सी, अब तो इसका 8 है, देखो इसका ग्रुप नंबर कितना 8, यह कैसा कूदेगा 2, 4, 6, 8, ये तो बड़ा लंबा दूर तक खेलेगा क्रिकेट मैच। ऐसे देखो 17 था तो 1, 3, 5, 7, ये तो 18 आया, तो 2, 4, 6, 8, देखो ऐसे बनाएंगे XCF2 XCF4 XCF6 ओ तेरी, ऐसे बनते रहते, XCO3 ऐसे बनते, XCO2F2 ये सब कंपाउंड बनाते हैं ज़ेनॉन, देख लो। तो यहां पर भी ऑक्टेट रूल गलत, ऑक्टेट ने क्या बोला था, इसके जैसा बनो इसके जैसा बनो, अरे काय का बनो, ये तो भी बॉन्ड बना रहा, ये कौन सा चैन से बैठा हुआ है
ये भी तो बॉन्ड बना ही रहा है, तुमने चिल्ला चिल्ला के और जला चला के झाड़ पे चला के इसके जैसा बनो इसके जैसा बनो, ये तो वही चालत है उसकी भी। हाँ ये ऊपर वाले नहीं बनाते लेकिन हीलियम जैसा बनो, नियॉन जैसा बनो। चलो रे इतनी बातें समझ गई, यहां ऑक्टेट रूल फेल हो गया है। पांचवा, ऑक्टेट रूल ने किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। डू नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ जैसा कि अभी आप पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ाएंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल को नहीं बताया था। अभी आपको जब पढ़ाया जाएगा बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो शेप पढ़ाई जाएगी। अब देखना आपको पिछले चैप्टर में हमने आपको क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था, उसका फायदा मिलेगा। सब रिवीजन जैसा रहेगा, पूरा पढ़ो तुम लैटिस एंथैल्पी पढ़ो ना, बॉन्ड लेंथ, फिर तुम ये सब पढ़ोगे पोलर नॉन पोलर ये सब सब इधर मिलेगा। तो डू नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ बॉन्ड, ये इतने लिमिटेशन हो गए ऑक्टेट रूल का, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे एमओटी पे जाएंगे। एमओटी, एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दो थ्योरी पढ़ाए गए हैं शेप के लिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एक थ्योरी है वेस्पर थ्योरी VSPER, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सप्लेनिंग मेथड, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, सही है, वेस्पर थ्योरी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये थ्योरी पढ़ने हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, VSEPER, VSEPER बस थ्योरी का टी नहीं, ओके। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तीन थ्योरी बनाए गए हैं। द कंपाउंड इन विच आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, द कंपाउंड इन विच कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है आयनिक का लगभग उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा कोवेलेंट के प्रॉपर्टी जो पढ़ाए जाए वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, स्ट्रिक्टली कुछ कुछ गड़बड़ हो जाएगा इधर, ठीक है। आयनिक स्ट्रिक्ट है पूरे एकदम, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको, एक भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कोई आयनिक कंपाउंड ऐसा नहीं वैसा होता, ऐसा नहीं मिलेगा, कोवेलेंट में मिल जाएगा आपको। कोई बात नहीं फिर भी पढ़ते हैं, मोस्टली का तो सही होगा। पहला हो जाएगा स्टेट, तो कोवेलेंट कंपाउंड सब स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड में भी लिक्विड में भी गैस में भी। तो कोवेलेंट कंपाउंड का सारे स्टेट होते हैं एट रूम टेम्परेचर, कोवेलेंट कंपाउंड आर फाउंड इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। एग्जाम्पल ले लो सॉलिड के लिए, हम आपको एकदम बेस्ट कम बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा है आई टू, आयोडीन सॉलिड है, सब हम टू वाले में दे देंगे। लिक्विड के लिए ब्रोमीन Br2, और गैस के लिए तो बहुत सारे हैं, बाप रे बाप गैस ही तो भरा पड़ा इधर, H2O2 Cl2 H2, बहुत सारे गैस है, गैस ज्यादा है इधर, क्यों? कारण बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक से थोड़ा कमजोर होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है, इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। लो होगा बिकॉज वही कारण, दे आर हेल्ड टूगेदर, हेल्ड मतलब रहना, टूगेदर मतलब एक साथ, बाई वीक वंडर वाल फोर्स नाम है इसका, सुनोगे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
अब ये क्या होता है समझना थोड़ा सा, शायद हम बताए थे नहीं, एक मॉलिक्यूल जो है और दूसरा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को क्या बोलते हैं वैन डेर वाल्स, और वो कमजोर होता है, इसमें वैन डेर वाल्स फोर्स लगता है, वैन डेर वाल्स फोर्स कमजोर है। अगला डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बॉन्ड्स है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है एंड दे हैव फिक्स्ड बॉन्ड एंगल, यहां पे बॉन्ड एंगल भी होता है, पढ़ाया जाएगा आपको सब किसमें कितना एंगल बनाना है, अपनी मर्जी से कहीं नहीं ऐसे ऐसे लाइन खींच सकते। सोल्युबिलिटी, ये कंपाउंड जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब अगर चार्ज नहीं होता है बट कुछ पे होता भी है आर नॉन पोलर, हमने तो वो क्या बोला इसके सारे प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते हैं, तो जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में घुलेगा, सो तो पढ़े हो ना लाइक डिजॉल्व लाइक, सो दे डिजॉल्व इन नॉन पोलर, नॉन पोलर को हम लोग ऑर्गेनिक भी बोलते हैं याद रखो, तो कार्बन होते जनरली उसमें सॉल्वेंट, वो लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट पे घुलेंगे जिसमें चार्ज नहीं होता है, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, सब ऑर्गेनिक है, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये सब नॉन पोलर है, इसमें वो लोग घुल जाएंगे कोवेलेंट वाले, ठीक है, आयनिक वाले इसमें नहीं घुलेंगे। कंडक्टिविटी में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस नहीं होता है, बराबर लगा दीजिए। आपको हमने लैटिस एंथैल्पी पढ़ा दिया है ना, क्या एक मोल आयनिक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगे, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताइए, पढ़ा दिए, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ वन मोल आयनिक कंपाउंड, आयनिक के लिए लगता है याद रखो, इनटू गैसियस आयन, देखो इधर एक मोल ले लो, एक मोल वन मोल आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कैसा होता है सॉलिड होता है, सॉलिड ही लेना पड़ेगा लिक्विड होता नहीं है, और इसको ब्रेक करिए एनर्जी दे करके, तो Na बनना चाहिए कटायन और गैसियस बनना चाहिए, गैसियस बनता भी है गैसियस, और Cl- बनना चाहिए गैसियस, और इसमें जो एनर्जी लगेगा डेल्टा लैटिस H, ठीक है डेल्टा लैटिस H होगा, ठीक है ये क्या होगा बताइए, लगेगा तो इंडोथर्मिक, इंडो होगा तो कैसा लगेगा पॉजिटिव, ओके कितनी बातें समझ गई होगी, एक एग्जांपल दे दें, यहां पर डेल्टा है जो होता है बच्चों 788 किलो जूल पर मोल होता है NaCl के लिए, इसको याद मत करिए बट हम ऐसे एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एक मोल NaCl को अगर ब्रेक करेंगे तो 7 क्या हो गया, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड ऑफ वन मोल आयनिक कंपाउंड एंड प्रोड्यूस गैसियस एटम,
सॉरी गैसियस आयंस, गैसियस आयंस बनाना चाहिए, ठीक है, इस कॉल लैटिस एनर्जी, ठीक है। प्राविधि दिया हमने आपको लैटिस एनर्जी, नोट कर लीजिए। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, देखो ध्यान समझना, ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है, बॉन्ड लेंथ, आयनिक के लिए नहीं, कोई आयनिक पर कोई लेंथ फेंथ नहीं होता, कोई चिपक जाते हो लोग पूरा, तो बॉन्ड लेंथ हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में ही नापते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, तो सुनो, जैसे ये एक एटम है, ये एक दूसरा एटम है, ये दोनों बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, केमिकल बॉन्ड है इनमें, तो इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच का दूरी ले लो और आधा कर दो, पढ़े कि नहीं सब हम लोग पढ़े हैं एटॉमिक साइज में, नहीं ये सॉरी आधा नहीं करना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ पूछा ना तो पूरा लेंगे, बराबर, तो यहां से यहां तक का पूरा लेंथ को बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। आधा कब करेंगे, जब एटम का साइज देना है, आधा कब करते थे हम लोग, जब एटॉमिक रेडियस चाहिए, साइज चाहिए, तो बॉन्ड लेंथ मान लो ये ए एटम है, ये बी एटम है, इसका रेडियस आर ए है, इसका रेडियस आर बी, तो बॉन्ड लेंथ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, ठीक है, दोनों के रेडियस का सम, तो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ बताओ, दोनों एटम के न्यूक्लियस का सेंटर, देखो न्यूक्लियस होता है उसके भी बीच का एकदम चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लेंथ में अलग अलग साइज एप्लीकेबल होता है, तुमको पता है बॉन्ड लेंथ के लिए पहला नापा जाता है कोवेलेंट रेडियस, सब पढ़ लियो तुम, बॉन्ड लेंथ के लिए कोवेलेंट रेडियस का सम बोल सकते हो तुम, सम ऑफ कोवेलेंट रेडियस, दूसरा बोल सकते हो सम ऑफ मेटालिक रेडियस, तीसरा बोल सकते हो वैंडरवाल रेडियस, क्लियर हो रहा है क्या बच्चों, बताइए, सबने पढ़ा है सब चीजें, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, मतलब रेडियस का सम है ना, बॉन्ड लेंथ क्या है, सम ऑफ रेडियस, तो भाई रेडियस कैसे कैसे प्रकार के होते हैं, रेडियस कितने प्रकार के होते हैं, तीन चार होता है, आयनिक, आयनिक वाला भी आ जाएगा इसमें, आयनिक बॉन्ड रहता तो आता, कोवेलेंट पढ़ रहे हम लोग, तो कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक भी हमारे हिसाब से नहीं आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड है तो कौन सा आएगा, वैन डर वाल और कोवेलेंट रेडियस, देखो बॉन्ड लेंथ को तुम बोल सकते हो सम ऑफ एटॉमिक रेडियस, लिख लो यहां पे, बॉन्ड लेंथ इज सम ऑफ एटॉमिक रेडियस, रेडाई भी बोलते हैं, रेडाई मतलब प्लूरल, एटॉमिक रेडियस का प्लूरल, तो कौन कौन एटॉमिक रेडियस का सम कर सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस का सम कर सकते हैं और वैन डर वाल रेडियस का सम, कहां पे ज्यादा कम आएगा, ये सब समझ गया होगा, वैन डर वाल ज्यादा होता है, कोवेलेंट कम होता है, तो ये जेट आएगा, ये अप्रोक्स में आएगा, ये नापोगे तो लगभग दूरी आएगी, क्योंकि ये क्या करते हैं मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का दूरी लेते हैं, समझ में आया था ना, समझाया था हमने आपको, जैसे मान लीजिए पहला मॉलिक्यूल, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल का सेंटर और इस मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच का दूरी का आधा, ये कौन सा रेडियस होगा, वैन डर वाल, रेडियस की बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बोलोगे तो पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई आपको, पढ़ लिया आपने, पढ़े है ना, आगे बढ़ जाए, जल्दी से बताओ, तो देखिए बॉन्ड लेंथ बच्चों सिंगल बॉन्ड का अलग होता है, डबल बॉन्ड का अलग होता है, ट्रिपल बॉन्ड का अलग होता है, बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है, सुनो, बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्ड, कितना बॉन्ड बना है, किस आइटम में बॉन्ड बना है, उस पर भी डिपेंड करता है, चलिए यहां पर हम लिख देते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को कौन कौन प्रभावित करते हैं, कभी भी कम ज्यादा हो सकता है बॉन्ड में, पहला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो उसकी लंबाई ज्यादा होगी, सुन लो,
बॉन्ड लेंथ इक्वल टू, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो उसकी लंबाई ज्यादा होगी, अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी लंबाई कम होगी, और ट्रिपल बॉन्ड है तो और कम होगी। क्यों? फोर्स, फोर्स बच्चों, तीन बॉन्ड में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो पास पास में रहेंगे वो। ठीक है, एग्जांपल दे दें, एक एग्जांपल दे दें, चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं ऊपर से मिटा के। ठीक है, सब नोट कर लिए ना, पहले से लिखा हुआ है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई है बच्चों, कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड आप नापोगे तो 133 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की अगर आप लंबाई देखोगे तो कितना हो जाएगा 120 पिकोमीटर। आपको आराम से दिख रहा होगा बॉन्ड लेंथ, सही है। उसके बाद बच्चों डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, इलेक्ट्रो निगेटिविटी पे, कि आप किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इस पे भी बहुत महत्व है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दूसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे देखो कार्बन ने अगर बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन ने बॉन्ड बनाया अगर हाइड्रोजन के साथ, इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलो साइज ऑफ, ये बोलो दूसरा फैक्टर हो जाएगा साइज ऑफ एटम। एटम के साइज पे तो करेगा ही निर्भर, छोटे छोटे एटम के साथ बॉन्ड बनाओगे तो छोटा होगा, बड़े एटम के साथ बनाओगे तो बड़ा होगा। जैसे कार्बन ने बनाया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और कार्बन ने बनाया कार्बन के साथ बॉन्ड, और कार्बन ने बनाया ऑक्सीजन के साथ, सोच के बताइएगा। तो तुम साइज का ऑर्डर तो पढ़े हो, साइज का ऑर्डर के हिसाब से सबसे छोटा साइज हाइड्रोजन का है, ये बॉन्ड लेंथ कम, ये ज्यादा और ये ज्यादा, ऐसा। ठीक है, अच्छा एक फैक्टर और है रेजोनेंस। रेजोनेंस हम आपको अभी आगे पढ़ाने वाले हैं तो वहीं समझा देंगे। रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ घट जाता है, रेजोनेंस डिक्रीजेस बॉन्ड लेंथ। थोड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है इसलिए इसमें थोड़ा ऑर्डर ऐसा है बच्चों, क्योंकि यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बराबर। चलिए नोट कर लिए इतनी बातें, जताइए जल्दी जल्दी। जैसे ये सेंट्रल आइटम है, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग बी सी एल थ्री का, ये कौन सा आइटम है बताइए, इसको कौन सा आइटम बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल आइटम। एंगल नापने के लिए आपको कम से कम इधर साइड के दो आइटम तो चुनने होंगे, तो ये दो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, दो एडजेसेंट आइटम, अच्छा चार वाला लेते हैं बेस्ट एग्जांपल, ले रहे सी एच फोर, तो ये हो गया आपका सेंट्रल आइटम, और ये दो हो गया एडजेसेंट आइटम। ये सेंट्रल आइटम एडजेसेंट आइटम के साथ जो एंगल फॉर्म करता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड एंगल। यहां पर ये बॉन्ड एंगल कितना होता है आपको बता दें, 109.5 डिग्री। मेरे को याद कैसे, हम आपको सब सिखाएंगे, टेंशन मत लें। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, आपको समझ गया होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा, द एंगल फॉर्मड बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ सेंट्रल एटम इन एनी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो लिखना ही पड़ेगा, सब मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब एक ही कंपाउंड। देखो क्या हो गया, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स व
विथ सेंट्रल एटम। इन्हें मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ठीक है बच्चों, इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। अब सवाल आएगी बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है। कुछ आपको हम बॉन्ड एंगल्स दिखा दें, जैसे NH3 में बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, H2O में बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री, और CH4 में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, 109.28 है चलता। उसके बाद आप अगर देखोगे C2H2 इथाइन 180, C2H4 120, BCl3 BF3 सब तीन वाले में 120 होता है, बराबर 180 के तीन टुकड़े कर लो, 36 360 के तीन टुकड़े। अभी हम समझाएंगे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, चलिए मेन सब फैक्टर्स ही हैं, कैसे कैसे कम ज्यादा हो रहा है भाई ये समझा दो। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन फैक्टर है। सबसे मेन फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे मेन फैक्टर क्या है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन, समझना ध्यान से। आप इसको बॉन्ड से समझना, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp है, अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। अगर sp2 है तो देखो तीन टुकड़े, देखो 360/2, समझना ट्रिक को, 360/3 बताओ कितना होगा 120। sp3 में 360/4 मत कर देना, 109 है, 3D स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। दूसरा फैक्टर बच्चों प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अगर लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। देखो कैसे, ध्यान सुनो, जैसे CH4 है, इसका बॉन्ड एंगल कितना पर आएगा आपको? 109.28 डिग्री, 5 VH चलता है, थोड़ा मोड़ा कम ज्यादा 104.5 ही है, ये 28 है। अब सुनो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अच्छा, अब एक और पे आ जाओ, NH3, ध्यान से समझना बच्चों, NH3 का बॉन्ड एंगल, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा इससे, 107 हो तेरी। क्यों? लोन पेयर ने क्या किया, इस बॉन्ड को ऐसा रिपेल कर दिया। लोन पेयर ने इस बॉन्ड को थोड़ा सा धकेल दिया, कम कर दिया। अब देखो H2O में आ जाओ, H2O में कितने लोन पेयर है? 2। और धकेलेगा इसको, और धकेलेगा, और कम करेगा, कितना कम कर दिया इसने, देखो 104। देखो सबके सब sp3 हैं, सबके सब sp3 हैं। अच्छा, sp3 का ट्रिक बता दे क्या, बहुत पगला रहा है ना, तो एकदम आसान ट्रिक है, एकदम आसान, ऐसे चुटकी में गिनना। कोई भी जितने बॉन्ड बनाए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर टू द सेंट्रल। चलो गिनना चालू कर दे, बहुत बका लिया इन्होंने। इसका हाइब्रिडाइजेशन दे लो, कितना बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम को? 4। हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3, 4 हुआ। अरे 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, ऐसा जोड़ो, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन। देखो 1 2 3 4 sp3, देखो 1 2 3 और लोन पेयर को 1 गिना, 4 तो sp3, 1 2 और 2 लोन पेयर कितने? 4 sp3। आया मजा? आ गया वो, तो सब sp3 है। लोन पेयर क्या करता है? रिपेल कर देता है। तो लोन पेयर क्या करता है? रिपेल कर देता है। देखो लोन पेयर रिपल्सन वेरी स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा अगर रिपल्सन बढ़ा, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज।
नोट कर लीजिए, शॉर्ट शॉर्ट में नोट कर लिए ऊपर का, मिटा दे। ओके, तो अगला है बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से भी फर्क पड़ता है, क्या बात कर रहे हैं सर, बाप रे बाप, पूरा बारहवीं पढ़ा दिया मैंने तुमको, पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से भी फर्क पड़ता है बॉन्ड एंगल। तीसरा फैक्टर है बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जो बीच का एटम है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से भी फर्क पड़ता है। देखिए अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है सुन लो, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहना चाहिए याद रखना, सेम हाइब्रिडाइजेशन में सब रूल चलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई, नहीं तो फिर ये रूल लगा हाइब्रिडाइजेशन वाला है तो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई तो बॉन्ड एंगल मोर। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे NH3 है, PH3 है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, उसी ग्रुप का तीन तीन बॉन्ड बना दिए, अब बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका, सोच के देखो ऊपर का रूल पर और बताओ झट से, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है बच्चों, जल्दी से बोलो यार, टाइम बर्बाद मत करो, नहीं बोलना, चलो छुट्टी करो यार तुम, मतलब पागल करो, सोलह ग्रुप H2O से टेपो पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, तो कितना ट्रिक से लिख रहा दिख रहा तुमको, उषा से टे, इसमें किसका सबसे ज्यादा बॉन्ड है लोगों को बताइए, H2S का क्यों सबसे ज्यादा है, लगा दिमाग में मास्क लगा लिए, बताओ बच्चों सबसे ज्यादा ऊपर वाले में किसका होगा, NH3 का, बोले नहीं तुम लोग कसम खा लियो नहीं, और इसमें ऑक्सीजन का, इसमें इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है, ठीक है कम होता है 92 91 90, यहाँ पर 107, फिर 94 92 91 90, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। ओके, तो तीन फैक्टर है बच्चों लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बट ये सेम हाइब्रिडाइजेशन में चलता है, देखो सबका फॉर्मूला सेम है तो रूल चल रहा है, ऐसा नहीं कि तुम अलग अलग चेक कर दिया हाइब्रिडाइजेशन में, गलत हो जाएगा फिर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ना है बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, बता दे जितने बॉन्ड बॉन्ड से पढ़ रहे हो सब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ किसका कोवेलेंट बॉन्ड का, बॉन्ड एंथैल्पी किसका कोवेलेंट बॉन्ड का, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में लैटिस एंथैल्पी होता है, और क्या बताया था इसके पहले, बॉन्ड लेंथ किसका कोवेलेंट बॉन्ड का, ये क्या पढ़ा था हम लोग, बॉन्ड एंगल किसका कोवेलेंट बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड एंगल नहीं बनता है, नॉन डायरेक्शनल है, याद है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा सोच लो, लैटिस एंथैल्पी क्या होता था, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगा, नहीं सॉरी बॉन्ड, हाँ हाँ बराबर, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगा उसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड को भी तो तोड़ सकते हैं, तो उसको भी तोड़ने में एनर्जी लगता होगा, सेम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, क्लियर है कि नहीं है बताइए, नहीं समझ रहा है, चलिए कोई कोई ना इसको उल्टा भी डिफाइन कर देता है, अच्छा बॉन्ड एंथैल्पी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल सकते हैं कि नहीं, पूरा नाम सोचो,
बॉन्ड तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी। डिसोसिएशन मतलब तोड़ना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी। अब देखना, कोई कोई इसको ऐसा भी उल्टा भी डिफाइन करो, थोड़ा सा मेरी बात सुन के जाओ। जैसे मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, तुमने तोड़ा, ए एटम बना, बी एटम बना, ठीक है, यहां पर एनर्जी लगा पॉजिटिव, टिंडो, बढ़िया बात है। अब हम उल्टा पूछें, क्या हम वापस ए और बी को जोड़ने जाएं तो इतना ही एनर्जी रिलीज नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, नहीं होगा, थोड़ा तो दिमाग लगा लो, रिलीज होगा? नहीं समझा सर। चलो हम दूसरे लॉजिक से समझाते हैं। तुमको पता है बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और तुमको शायद हम एक लॉजिक बार बार सुनाते हैं, लो एनर्जी मतलब हाई स्टेबिलिटी। इसको आप अपने एग्जांपल से समझिए, आपका एनर्जी, आपके पास पैसा है, जितना कम पैसा आपके घर में है उतना आप स्टेबल है, बराबर है? जहां ज्यादा पैसे आ जाएगा घूमने लगे, बाजार चलते, शॉपिंग करते, खरीद लेते, वो खरीद लेते, बिल्डिंग बना लेते, प्लाट खरीद लेते, अनस्टेबिलिटी आ गई। तो कम एनर्जी ज्यादा स्टेबल, हाई एनर्जी लेस स्टेबल, इसको याद रखें। उल्टा, अब चलो अब आओ यहां पे, बताओ ये एटम है और ये कंपाउंड है, कौन स्टेबल होता है, एटम की कंपाउंड? बॉन्ड बनता क्यों है ये तो बता दो, तो स्टेबल कौन है, ए बी की, ए बी स्टेबल है कि ए स्टेबल है, ए और बी अलग अलग, बोलो कौन स्टेबल है? बोल नहीं रहे तो नो, नहीं बोलना है चलो, फिर नहीं बोलना तो मत पढ़ो, मैं माथा पानी करते रहते, क्या होगी? बताओ स्टेबल है तो एनर्जी क्या होगी? लो एनर्जी लिखा चाहिए और ये हाई एनर्जी। अब तुम सोचो, कोई भी सब्सटेंस एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता, सुने होगे, तो यहां पर हम हाई एनर्जी रखे तो यहां पे लो हो गया, तो बाकी एनर्जी कहां गया? एनर्जी नहीं बोलोगे, तो अगर हम बॉन्ड बनाने तोड़ेंगे तो एनर्जी लगेगा, बराबर, और बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा।